बात यह कि जब से ये चुनाव हुए तब से जो हमारे जिले के अधिकारी और कर्मचारी पूरा का पूरा भाजपा के दबाव में। आज राष्ट्रीय लोकदल का जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना है, क्योंकि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता है यहाँ पर, सत्ता और अधिकारियों ने मिलकर जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जिम्मेदार लोग रहे उन्हें सूचीबद्ध कर उनका फर्जी मुकदमा दर्ज करने का काम प्रशासन ने किया है। इसी विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल का जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन है। इन्होंने टारगेट कर बुढ़ाना में हमारे जिम्मेदार लोग, बुढ़ाना के बाद खतौली और खतौली के बाद जानसठ में पूर्व जिला पंचायत मौजूदा जिला पंचायत सदस्य और प्रधानों पर जो फर्जी मुकदमे प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं उनके विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल यहाँ एकत्रित है। और आज राष्ट्रीय लोकदल बता देना चाहता है प्रशासन को कि अगर जिले में किसी भी दलित, पिछड़े और मुस्लिम और जो लोग सत्ता जो भाजपा के साथ नहीं रहे उन पर अगर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। मॉब लिंचिंग के भी हम लोग खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से ये प्लान है, ये चाहते हैं कि एक जो माहौल इनके पक्ष में बने इसका पूर्णतः विरोध राष्ट्रीय लोकदल करता है और राष्ट्रीय लोकदल किसी का भी शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इसीलिए पूरे जिले के जिम्मेदार लोग यहाँ एकत्रित हैं।